जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको श्री कृष्ण जी की एक कथा सुनाएंगे जो कि आपको भाव विभोर कर देगी। आइए शुरू करते हैं। कमल नाम का एक आदमी सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहरों से भी कमल की दुकान पर आते, गहने लेते और बनवाते। चाहे वह हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत ही सुंदर मीनाकारी होती थी कि सब देखने वाले उनको देखते ही रह जाएं। इतना बड़ा कारोबारी होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला था। उसको इस संसार की माया का इतना रंग नहीं चढ़ा था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल को भी देता हुआ चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा, तब कमल का एक कारीगर एक सोने और हीरे से जड़ा हुआ बहुत ही सुंदर हार बनाकर कमल को देने के लिए आया था। कमल उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र दुकान पर पहुंच गया। कमल का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल लाए थे जिसका कि बहुत ही मनमोहक रूप था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल ने लड्डू गोपाल जी के मनमोहक रूप को देखा और वह बहुत ही आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार लड्डू गोपाल जी के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहने लगा, देखो तो सही लड्डू गोपाल जी कैसे हार की शोभा बढ़ा रहे हैं। उसका मित्र और कमल किशोर दोनों आपस में ऐसे ही बातें करने लग गए और बातों की बातों में कमल का मित्र लड्डू गोपाल जी को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को पता ही नहीं चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में पड़ा रह गया है। कमल का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी उसी टैक्सी में रह गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ पर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था क्योंकि आज उसको अपने घर वापस जाना था जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू राम अपने घर पहुँचा तो उसने अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा जो कि बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए आराम से बैठे हुए हैं। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं। लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने शहर में जा चुका था जो कि काफ़ी दूर था और वह सवारी को जानता भी नहीं था, तो वह लड्डू गोपाल जी कैसे वापस करता। वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे और क्या न करे। लेकिन फिर उसने बड़ी ही श्रद्धा से हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल जी को प्रणाम किया और लड्डू गोपाल जी को उठाकर अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने अपने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतना सुंदर स्वरूप देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल को अपने हाथों में ले लिया। क्योंकि बाबू राम की शादी को 8 साल हो चुके थे लेकिन उन्हें अभी तक संतान नहीं हुई थी। लेकिन लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसकी पत्नी का वात्सल्य भाव जाग उठा और उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसने अपने बच्चे को ही गोद में उठाया है। उसने कसकर लड्डू गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू बहाते हुए बोलने लगी कि तुम नहीं जानते आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। तब बाबूराम कुछ समझ नहीं पाया कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है। लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी, अरे लाला इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। फिर उसने जल्दी से चूरमा बनाया और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया। उधर कमल ने जब अपनी दुकान पर हार को नहीं देखा तो उसको याद आया कि हार तो मैंने ठाकुर जी के गले में पहनाया था और वह तो वहीं रह गया। तो उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा तो मित्र ने जवाब दिया, अरे मित्र वह माखन चोर और चित चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया है, मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार ना जाने कहाँ चला गया, मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है, अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहन कर ही रखेंगे। उधर बाबूराम और उसकी पत्नी दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते और अब तो मालती जी और बाबूराम को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे।
लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर में एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय मैं लड्डू गोपाल जी को देती और कहती कि ये हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है और हमारा परिवार पूरा हो गया। बाबूराम की पत्नी लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को मैं उठ उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। और ऐसे ही एक दिन कमल किसी व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था जहाँ पर बाबू रहते, लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि कमल को जहाँ पहुंचना था वह वहाँ नहीं पहुंच सका। और तब वहाँ बाबूराम अपनी टैक्सी लेकर आ गया और उसने परेशान कमल को पूछा कि बाबूजी आप तो यहाँ क्यों खड़े भीग रहे हैं, यह बारिश नहीं रुकने वाली और सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाओगे और ना ही कहीं रुक पाओगे, यहीं पास में ही मेरा घर है, अगर आप चाहो तो मेरे घर चल सकते। कमल जिसके की पास सोने और हीरे के काफ़ी गहने थे वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और वह बाबू के घर उसके साथ टैक्सी में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही बाबू ने अपनी पत्नी को आवाज़ दी कि आज हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। जब कमल ने देखा कि बाबू राम का घर बहुत ही छोटा सा है लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है, घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को बहुत ही आनंद दे रही है। जब बाबू राम की पत्नी ने उनको भोजन परोसा तो कमल को उस भोजन में से अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान थे, वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हार कर कमल ने बाबूराम से पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो क्या आप बता सकते हैं कि उस दिशा में क्या रखा है, मेरा ध्यान बार बार उसी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो बाबूराम और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि वहाँ पर तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजित है। तो कमल ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ। तो बाबूराम की पत्नी उनको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजित थे। कमल ने लड्डू गोपाल जी को देखा और उनके गले में पड़े हार को देखकर वह एकदम से हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल है और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को पहनाया था। कमल ने बड़ी ही विनम्रता से बाबूराम से पूछा कि यह गोपाल जी तुम कहाँ से लेकर आए हो। बाबूराम जिसके मन में कोई भी छल कपट नहीं था उसने सारी बातें कमल को सही सही बता दी कि कैसे उनको लड्डू गोपाल जी को लाने का सौभाग्य मिला और उनके हमारे घर में आने से हमारा पूरा दुर्भाग्य खत्म हो गया। तो कमल ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि जो हार ठाकुर जी के गले में पड़ा है उसकी कीमत क्या है। तो बाबूराम और उसकी पत्नी ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते और हमारे लाला के सामने किसी भी चीज़ का किसी भी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल एकदम से चुप हो गया और उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा है मेरा हार ठाकुर जी ने अपने अंग से लगाया हुआ है। अगले दिन जब मैं चलने को तैयार हुआ और बाबूराम उसको टैक्सी में लेकर उसकी मंजिल तक पहुंचाने गया और जब कमल टैक्सी से उतरकर जाने लगा तब बाबूराम ने उसको आवाज़ लगाई कि जरा रुको, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। लेकिन कमल ने कहा कि मैंने तो वहाँ पर कुछ नहीं रखा, लेकिन बाबूराम ने कहा कि यह बैग तो आपका ही। जब कमल ने बैग को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल एकदम से हक्का बक्का रह गया कि यह तो उतने ही पैसे हैं जितनी की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहन कर रखा, मैंने उनको पैसे का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह हाथ जोड़कर ठाकुर जी से क्षमा याचना मांगने लगा, लेकिन अभी हो भी क्या सकता था। इसीलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उनमें अहंकार नहीं होकर विनम्रता होनी चाहिए और जैसा ठाकुर जी चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो केवल निमित्त मात्र है, कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर में आकर विराजित हुए, यह सब ठाकुर जी की ही लीला है। किसके घर में रहना है, किसके घर से सेवा लेनी है, यह सब ठाकुर जी ही जानते हैं। हम लोग तो केवल एक निमित्त मात्र ही होते हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई हुई छोटी सी मिठाई भी ग्रहण कर लेते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। यदि आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो